हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। स्टार्ट होगी क्यों नहीं होगी, सृष्टि एक बार बता देना स्टार्ट हुई या नहीं ये और बता देना, ठीक है। हेलो अश्विनी पाटिल, सब क्लास में नोटिफाई कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब वाला जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। लेट नहीं हुए प्राची सोनी, आप सही टाइम पे हो, ठीक है। तो आज हम हियरिंग सेंस के बारे में करने वाले हैं, हियरिंग यानी जो हम सुनते हैं। हेलो सुनीता, ठीक है तो चालू कर लेता मैं, रुक जाओ स्लाइड ऑन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, प्राची पूछ रही कि आप कौन सी बुक यूज़ करते हो। तो प्राची, ऐसे क्या बुक के मामले में थोड़ा सा मल्टीपल बुक्स होती हैं एक्चुअली, लेकिन जो बेसिक बुक्स जो मैं रेफ़र करता हूँ, जिनसे मैं एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ, वो सिसरेली है, बैरन है, इन बुक से मैं काफ़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो सबसे बेसिक बुक है, सबके पास मिल जाएंगी, लेकिन इन सबसे बेसिक बुक्स में ही सबसे ज़्यादा कंटेंट आपका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी वाली जो बुक मैं यूज़ करता हूँ वो हमारी एक के सिंगल बायो के लिए पूछा अपराज। तो बायो के लिए एक्चुअली मैंने कई सारी बुक से मेन मेन कंटेंट जो जिस हिसाब का है एग्जाम में आता है प्राची, क्योंकि देखो बुक पूरी देखोगे, एक पीनल की भी है बायो की, बायो साइकोलॉजी, तो कई सारी बुक है एक्चुअली में, एक बुक को हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप कोई भी बुक उठा लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सफिशियंट, ठीक है। वेलकम गीत। तो लेकिन मेन जब बात आती है, लेकिन हमने ये क्या, ये है ना कि आपके पास है 3 महीने या 6 महीने ना, तो 6 महीने में अगर आप पूरा टाइम एक बायो वाली बुक पे लगा दोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी नॉट इफेक्टिव, लाइक कि आप बायो का तो कर लोगे फिर बाकी का रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं मैं कि तुम्हें टॉपिक से टॉपिक का कराता रहूँ, जितना आपका रेलिवेंट है ना, कि कितनी डेप्थ में हमने जाना कितना नहीं जाना, उस हिसाब से कराने की कोशिश करता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले आती हैं हम मैक्सिमम सारा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी बुक कराने लग गए तो यहीं पे हमारे 2-3 महीने खाली बायो की बुक में ही लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हम, इंस्टेड 1-2 हफ्ते में बायो को करा के फ्री कर देते हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी, बाकी यूनिट्स भी करनी होती हैं। लेकिन जितना भी हम करते हैं ऑब्वियसली कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर कवर कर लें। तो आज का जो सेंसरी सिस्टम में हम बात करने वाले हैं हियरिंग सेंस की, जिसको नहीं बता मैं उनको ये बता दूँ, ये मेरा कोड है के विनोद, ठीक है। मैं प्लस पे ही पढ़ाता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है, यहाँ पे अनअकैडमी का चैनल है तो यू मस्ट बी फेमिलियर कि जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी का लाइव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली क्लासेस ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप यूट्यूब पे ले रहे हो वहाँ पे आपकी डेली क्लासेज होती है, कितनी अराउंड 1.5 घंटे की क्लास होती है एवरी डे हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे, ठीक है। हेलो अंसारी, तो वेलकम एवरीवन, जितने लोग आते हैं लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो याद रखना, अगर तुम में से, मैं अभी जो पढ़ाऊंगा अगर तुम में से किसी को पसंद आए, अगर आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, यू वांट कि आप के जितने डाउट्स हैं सारे सोल्व हो जाएं, तो ये कोड है मेरा, मैं प्लस पे ही पढ़ाता, तो आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करिए, वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस क्विजेज वगैरह आते रहते हैं। तो कोड ध्यान से देख लीजिए, VINOTKLIVE, ये मेरा कोड है, इससे आपको 10% की ऑफ मिलती है जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। पेन बोल्ड करने के लिए कह रही है गीत, यहाँ पे वेट करना गीत एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं साउंड वेव की। तो लाइट का, तो देखो लाइट का ड्यूल नेचर होता है, जिसको नहीं पता लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है कि वो पार्टिकल भी होती है वेव भी होती है, समझ रहे हो। लाइट का कैसा नेचर होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है कि वो पार्टिकल भी होते हैं उसके अंदर, यानी पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं, फोटोन्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके अलावा उसका वेव नेचर भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड होती है आपकी वेव, है ना, वेव नेचर होता है इसका। लेकिन इसकी हम कुछ क्वालिटीज आज बात कर लेते हैं, साउंड एक्चुअली में होता क्या है। वेलकम मिंटी,
ठीक है, तो पहले एक बार मैं कोशिश करता हूँ एक बार गीत की थोड़ा सा हो जाए बड़ा, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा एक्चुअली पेन को करने का, जूम करने का। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते, कोई नहीं ऐसे ही कर लो। तो साउंड वेव की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, साउंड वेव की जब हम बात करते हैं, मिंटी शर्मा और मिंटी कुमारी अलग अलग आइडियाज हैं या सेम पर्सन है, यहाँ पे ये बता देना मुझे, क्योंकि 2 मिनट ही आ गए हमारे क्लास में एंड आई डोंट थिंक वो सेम है, उन्होंने इतनी साथ साथ रिप्लाई दी है। ओके, ये मिंटी शर्मा दूसरी। एक्चुअली मिंटी, ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, आज हम हियरिंग सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट फॉर पेपर वन, इट इज़ फॉर पेपर टू एक्चुअली। ठीक है वही, एक्चुअली मिंटी इज़ नॉट दैट कॉमन नेम है ना, तो कॉमन नेम नहीं है, तो जब आप नोटिस करते तो मुझे लगा क्या होता तुम्हारा ही नाम ना हो। ठीक है, तो साउंड वेव की जब हम प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, कल हमने बात करी 3 चीज़ों के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में हमने बात करी, ब्राइटनेस के अलावा क्या क्या हमने बात करी थी कल आपकी, ह्यू के बारे में बात करी जिसको हम कलर भी बोलते हैं, प्लस में हमने बात करी थी उसके सेचुरेशन की, यानी कितनी प्योरिटी थी। तो उसी तरह से अगर मैं लाइट को बोलूँ उसी टर्म्स में, लाइट को कैसे हम डिफाइन करेंगे बताएगा कोई यहाँ पे, जो आपकी ब्राइटनेस होती है कलर में लाइट में उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी जब हम बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे इंटेंसिटी लिखा है, तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है, एक तो एम्पलीट्यूड आ जाता है, ठीक है आपका, एक आ जाती है फ्रीक्वेंसी। देखो जो हमने बात की थी कल वाली में, बात हमने क्या की थी इसमें, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आवाज़ कितनी आपकी तेज़ है कितनी कम है, एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पे आपकी प्राची, कि आवाज़ कितनी तेज़ है कितनी कम है, समझ रहे हो क्या है एम्पलीट्यूड यहाँ पे, कि आवाज़ आपकी कितनी ज़्यादा तेज़ है और आवाज़ आपकी कितनी कम है, इसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि कितनी ज़्यादा वेव्स हो उसकी। फिर आ जाती है आपकी वेवलेंथ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने देखा हो फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है, इंटेंसिटी होता है एक्चुअली, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी को ही बोलते हैं यहाँ पे प्राची। ठीक है, इसमें देख लो पैराग्राफ ही पढ़ा देता हूँ पूरा जो लिखा है, साउंड वेव्स डू हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ लाइफ एज ऑफ लाइट, जैसे इसमें वेवलेंथ एम्पलीट्यूड और प्योरिटी हमने कल बात करी थी, वेवलेंथ था क्या वहाँ पे, कलर था, एम्पलीट्यूड क्या था ब्राइटनेस, और प्योरिटी क्या थी वहाँ पे सेचुरेशन। तो इसी तरह इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ यानी जो वहाँ पे कलर होता है, जैसे वेवलेंथ हमने बात करी कि लंबी वेवलेंथ रेड कलर है, यहाँ पे वेवलेंथ किससे बात हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, उसका काउंटर पार्ट कि साउंड में क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी, या इसको बोल देते हैं पिच, हाई पिच है या लो पिच, तो लड़कियों की आप देखते हो हाई पिच होती है काफ़ी पतली आवाज़ होती है, और जो आप भारी आवाज आती है लो पिच होती है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एम्पलीट्यूड आ जाता है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे उसमें ब्राइटनेस है इस तरह इसमें इंटेंसिटी आ जाते हैं, एंड एम्पलीट्यूड इज इंटरप्रेटेड एज वॉल्यूम हाउ सॉफ्ट और लाउड दे आर, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, सिंपली बताऊँ उसमें ब्राइटनेस होती है तो यहाँ पे लाउडनेस होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को अगर हम करें कितनी कम आ रही है एक बार बताओ मुझे, ठीक है एम्पलीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लाउडनेस। ठीक है, तो कलर की जगह तो ब्राइट फ्रिक्वेंसी होगी या पिच होगी, और ब्राइटनेस की जगह होगी लाउडनेस, और जो आपकी लास्ट आ जाती है सेचुरेशन जो हमने बात करी थी प्योरिटी की, वो आ जाती है यहाँ पे टिम्बर या क्वालिटी जिसे बोल देते हैं। तो अगर लाइट की मैं बात करूँ, 1 मिनट रुकिए, ठीक है समझ गए ना, तो लाइट में हम क्या बोलते हैं कि कलर की ब्राइटनेस कितनी है, कि कितना तेज कलर है। ठीक है, लेकिन आवाज़ में हम कैसे बोलते हैं कि कितनी तेज है, वो हम बोलते हैं लाउडनेस, है ना लाउडनेस। थोड़ी राइटिंग गंदी है थोड़ा समझ जाना, लाउडनेस आ गया। अब दूसरी बात हमने जो बात करी है अभी, सेकंड चीज क्या थी, फ्रीक्वेंसी या पिच, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कलर, कि कलर कौन सा है, कलर और ह्यू,
याद रखना इस चीज में कंफ्यूज मत करना, ह्यू एच यू ई यहाँ पे आ जाता है, फ्रीक्वेंसी और पिच बोल देते हैं, हाई लो कैसी है, फ्रीक्वेंसी और पिच। फिर तीसरा आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है सैचुरेशन, ये सैचुरेशन क्या होती है यहाँ पे, प्योरिटी, यहाँ पे आ जाता है टिम्बर। तो लेफ्ट साइड में मैंने वो क्वालिटीज लिख दी लाइट की टर्म्स में, राइट साइड में मैंने वो क्वालिटीज लिख दी आपकी साउंड की टर्म्स में, ठीक है। गुड इवनिंग सैंडी, ओके। तो ये हमने बात कर लिया, यहाँ पे लिखा फाइनली व्हाट वुड कोरस्पोंड टू सैचुरेशन और प्योरिटी इन लाइट इज कॉल्ड टिम्बर इन साउंड, कि जो आप लाइट में सैचुरेशन बोलते हैं वो यहाँ पे साउंड में टिम्बर आ जाते हैं, कि कितनी रिच है टोन, कितनी सेम टाइप की टोन है, कितनी प्योर टोन है, ठीक है। एंड जस्ट एज पीपल सी रियरली सी प्योर कलर्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, दे सेल्डम हियर प्योर साउंड्स, कि जैसे हमें बिल्कुल प्योर कलर इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, उनमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, ऐसे ही आपकी जो प्योर साउंड है वो भी इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं, क्या पूछना है बताओ प्राची, लिखे दो स्पेसिफिकली क्या पूछना आपने। देखो सिंपल सी बात है, दोबारा बता देता हूँ अगर समझ नहीं आ रहा। देखो लाइट की जब हम बात करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज की, हम किस चीज़ में बात करते हैं लाइट की, अगर हम बात करते हैं विजुअल सेंस के टाइम पे, तो क्या होता है ब्राइटनेस की कितनी तेज है, कलर की किस कलर की है, तीसरा तो सैचुरेशन की कितनी प्योर है, कि कितना एक ही कलर की है, यानी रेड आपका रेड ही है, ना कि रेडिश ब्राउन है, येलो इज ब्राउन है, इस तरह के ना हो, है ना। उसी का अगर हम साउंड में लेते हैं, तो लाइट, देखो साउंड को आप ये थोड़ा ना बोलोगे प्राची, ये बताओ साउंड को आप ये थोड़ा ना बोलो यार साउंड बड़ी ब्राइट आ रही है, तुम बोलोगे यार गाना मंदा कर ले बड़ा ब्राइट चल रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे आप, क्या बोलोगे गाना बड़ा तेज चल रहा है उसकी साउंड कम कर ले, ठीक है। एम्पलीट्यूड और जो लाउडनेस है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्राइटनेस लाइट के केस में और लाउडनेस सुनने के केस में, आवाज़ के केस में, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा वेव्स है ना उस चीज़ की। दूसरा आ जाता है फिर आपका कलर और ह्यू, कि किस कलर का है, हम बात कर लेते हैं ना कि कैसी पिच है, कैसी आवाज़ है, पतली आवाज़ है, तेज आवाज़ है, और कलर में हम क्या बात कर लेते हैं कि आपका कलर कैसा, लाल है, पीला है, नीला है, ठीक है। तीसरा आ जाता है सैचुरेशन का मतलब है प्योरिटी, कि कितना प्योर है, ठीक है, कितना प्योर कलर है। ऐसे टिम्बर आ जाता है, टिम्बर साउंड के केस में आ जाता है, ये भी प्योरिटी का ही बताता है कि कितनी प्योर साउंड है, कितनी क्वालिटी साउंड है। समझ में आ गया प्राची, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन का विजन, जो हम बात कर लेते हैं, कल हमने विजुअल स्पेक्ट्रम की बात करी है ना, कितना होता है विजुअल स्पेक्ट्रम, एक बार सारे लिख दो, कल ही बताया था मैंने कितनी रेंज है विजुअल स्पेक्ट्रम की, सारे लिख दो जितने भी बैठे हो यहाँ पे, विजुअल स्पेक्ट्रम की क्या रेंज है कल जो मैंने बताई थी तुम्हें। वॉट इज द रेंज ऑफ, हाँ 400 से 800 लिख दिया, कितने सब लिख दो, 700 से 500 मिंटी, तुम थोड़ा सा ऑफ चलेगी, वो 500 नहीं है एक्चुअली, वो 300 से 400 मान लो, लाइट की रेंज मान लो 300 से लेके 800 के बीच में होती है, ठीक है। 300 अनु ने बिल्कुल स्पेसिफिक करके लिख दिया, और 380 से 750 या 760, तो तुम सबके आंसर सही हैं, ठीक है। 400 से 800 सेफ साइड, देखो सेफ साइड यहाँ पे आती है 400 से 700 में, देखो 400 से 700 अगर मैं लिखता हूँ वो सेफ साइड है, अगर मैं 300 से 800 लिख देता हूँ वो भी गलत नहीं है, और जो अनु ने लिखा है 380 से 760 ये और स्पेसिफिक हो जाता है, ये भी गलत नहीं है, तीनों रेंज ठीक है, तुम्हें कल भी बताया था, लेकिन 500 नहीं आएगा इसमें, याद रखना। क्या नाम है मिंटी, आप ये कर सकते हो 400 से 700 कर सकते हो, 300 से 800 भी बोल सकते हो, ये दोनों रेंज फिर भी आ जाती है उसके आसपास, ठीक है, 500 नहीं आता लेकिन उसमें। अब हम बात कर लेते हैं पर्सन की, जैसे हमारी साउंड, जैसे हमने कल बात करी विजुअल स्पेक्ट्रम की, ऐसे ही ऑडियो की भी रेंज होती है, कितनी आप ऑडियो सुन सकते हो, ठीक है, कितनी सुन सकते हो आप, कितनी ऑडियो आप सुन सकते हो ये बताओ, 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी मिनिमम आप सुन सकते हो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम आप सुन सकते हो 20,000 की। जब हम बात करते हैं, ये इंसान की मैंने बताई है तुम्हें, ठीक है, हर्ट्ज है ये, हर्ट्ज में है ये, 20 से लेके डेसिबल्स नहीं है, दिस इज हर्ट्ज, किस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हम सुन सकते हैं, दिस इज नॉट हर्ट डेसिबल्स, अगर डेसिबल 20,000 डेसिबल तो अलग ही चीज हो जाती है, दैट इज रियली रियली बिग थिंग। डेसिबल ऑल दो साउंड की आपकी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेंज की, बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे
20 से लेके 2000 तक हम सुन पाते हैं हर्ज में, एंड डॉग है वो 50 से 60,000 तक सुन सकते हैं, जो आपके उसके अलावा डॉल्फिन्स वगैरह हैं वो क्या कितनी सुन सकती हैं, वो अप टू 2 लाख सुन सकती हैं, यानी वो हमसे 10 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक की साउंड सुन सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो डेसीबल्स की अभी बात हुई है ना, तो डेसीबल एक्चुअली यूनिट है। कौन सा क्वेश्चन आया था बताओ एक बार मिंटी मुझे, क्वेश्चन लिखो, बताओ क्वेश्चन क्या था एक बार मुझे बताओ, मुझे तो पता चले कौन सा क्वेश्चन आया नेट में पेपर वन में। बताओ एक बार क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे ताकि मुझे आइडिया लग जाए कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, साउंड वाला आया था, अच्छा डॉल्फिन का करके आया था क्या, ठीक है चलो हमने बात कर ही लिया। अभी हम बात कर लेते हैं, देखो साउंड का यहाँ पे हम बात करें, साउंड की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल्स, याद रखना साउंड की यूनिट क्या होगी, डेसिबल्स। तो डेसिबल कैसे आ जाते हैं, ध्यान देखो ये क्या है, जब आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हो उसकी साउंड कितनी होती है, डेसिबल में 15 होती है। जब आप लाइब्रेरी में बैठे हो फिर भी हल्की फुल्की साउंड होती है, उसको हम बोलते हैं 30 डेसिबल, ठीक है। 40 कब होती है, जब आपका क्वाइट ऑफिस है। अब 60 कब होगी, जब हम नॉर्मली बातें करते हैं दो तीन लोग बैठ के, उसको 60 बोल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है। 70 हो जाती है वैक्यूम क्लीनर की साउंड, फिर आ जाती है 85 से 90। देखो अब ये 85 से 90 क्या है, ये रेंज है कि इसके ऊपर जितनी साउंड है वो हमारी ईयर को डैमेज कर सकती है पोटेंशियल, ठीक है। 90 से हमारा क्या है, डैमेज स्टार्ट हो जाता है, पोटेंशियल डैमेज स्टार्ट हो जाता है 90 से ऊपर। अब देख लो 100 क्या बोलते हैं, चेन सो बोल देते हैं, या ट्रेन गोइंग बाय, यानी 100 काफ़ी तेज म्यूजिक तेज साउंड है। उसके बाद आ जाता है आपका 110 आ गया, मान लो आप किस में चले जाते हो, कॉन्सर्ट में चले जाते हो, ध्यान से देखो, ठीक है। 100 कितना हो गया ये आपका मिंटी, 110 मान लो आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में चले गए, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 120 के बाद आपके कान में दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, और जो लोग यहाँ पे सुनते हैं ना 135 की उसमें, 135 यानी जब हम ईयरफोन्स को लगा के बिल्कुल हाईएस्ट वॉल्यूम पे चलाते हैं तो वो कितना होता है, 135 डेसिबल्स, यानी वो क्या आपके जब बिल्कुल आप बहुत तेज़ वाली ईयरफोन लगा के फुल चलाओगे तो एक्चुअली आपके कानों में दर्द करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हमने बात करी है जैसे यहाँ पे लिखा हो कि 90 डेसिबल से ऊपर आपके कान को डैमेज हो सकता है, लेकिन जो 125 के अराउंड है 122-123 वहाँ पे क्या है कि आपका पेन थ्रेशोल्ड आ जाता है, कि उससे ऊपर की साउंड क्या करती है आपके कान में दर्द करना स्टार्ट कर देती है। तो जैक हैमर होता है, जैक हैमर पता है क्या होता है, ये डेसिबल्स में है, दिस इज इन डेसिबल्स, याद रखना डेसिबल्स में है, ठीक है। तो याद रखना, और 135 क्या होती है अभी मिंटी, समझ रहे हो, जो आप लोग बैठ के गाने सुनते हो ना फुल आवाज में, इतनी तेज आवाज में सुनते हो गाने, वो 135 डेसिबल होती है, एंड वो कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, मैं यहाँ पे एडवाइस करता हूँ। मैंने देखा है स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती हैं, और वो भी कान में लगा के पूरी फुल आवाज़ करके, आजकल तो ईयरफोन्स भी थोड़ी इस तरह की आती है कि वो बिल्कुल इन ईयरबड्स होती हैं, तो बिल्कुल कान के अंदर चले जाती है, फिर आप फुल आवाज़ में गाने चलाते हो तो साउंड वेव्स इतनी तेज़ होती हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप उतना ज़्यादा ईयरफोन्स यूज़ ना करो, एंड करो भी तो यू बी केयरफुल कि आप उसको फुल आवाज़ में ना चलाओ, है ना। ये सही है, अंसारी नहीं सुनती, अंसारी समझदार लड़की है,
कोशिश करो। देखो मैं भी इतना समझदार नहीं हूँ अंसारी, मेरा भी कई बार मन करता है मैं भी उनको गाने सुन लेता हूँ इतनी तेज आवाज में, ठीक है, लेकिन कोशिश करो, अवॉइड करो उस चीज़ को, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब आप इतनी तेज में गाने सुनते तो आपकी हेयर सेल्स जो होती हैं, अभी बात करेंगे आगे जाएंगे, जो कान की हेयर सेल्स है वो वीक होती है, तो आपकी धीरे धीरे फिर जो एज आती है तो आपका जल्दी वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है जब आपको सुनना कम हो जाता है ना। तो कोशिश करो कि ज़्यादा आवाज़ में गाने ना सुनो। अब हम बात कर लेते हैं कान की, कान के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कान के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले हम, ठीक है, रुको एक मिनट, यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये तो आ गया, ठीक है। अब कान का स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे सारे जितने भी हैं, सबसे पहले हम आउटर ईयर की बात कर लेते हैं। आउटर ईयर में क्या आ जाता है? आउटर ईयर होता है आपका यहाँ तक का, जहाँ पे ईयर ड्रम है। देखो अब मैं यहाँ पे जब जूम करता हूँ, एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, जूम करने के बाद मैं बता दूँ, मैं इस पे लिख नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है, जूम करने के बाद ये बस इसे ऐसे दिखाते हैं, तो जूम करने के बाद मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, यहाँ पे पीना है, ये दिख रहा है पीना क्या है, तो ये मेरे हाथ के साइन पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये जहां पे जाएगा ये आपका पीना है। इस बाहर वाले कान को क्या बोलते हैं? हम पीना बोल देते हैं। फिर आप अंदर जाओगे तो इसको बोलते हैं ईयर कैनाल, और ये होता है आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, सबने सुना है ना, कई बार मम्मी बोलते हैं कि भाई के साथ लड़ाई मत कर, और कई बार तुमने लोगों को सुना होगा कि कान पे ज्यादा तेज की थप्पड़ पड़ जाए तो कान का पर्दा फट सकता है, या बहुत तेज आवाज हो या कुछ ऐसा हो जाए तो कान का पर्दा फट जाएगा, तो ये होता है वो आपका कान का पर्दा, ठीक है। क्या होता है कान का पर्दा, अभी मैंने दिखा दिया ना आपको, ये वाला, दिस इज, ये होता है आपका ईयर ड्रम, इसको बोलते हैं। यहाँ पे आवाज आती है, यहाँ पे क्या है ध्वनि, यहाँ पे कंपन पैदा करती है जो यहाँ से पास होती है। अब मिडल ईयर आ जाता है ये, जिसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। समझ में आ गया ये? बताओ आउटर ईयर समझ में आ गया तो बताओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिडल ईयर की, मिडल ईयर में क्या आ जाता है? मिडल ईयर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, मिडल ईयर देखो, हैमर एंड विल स्टीरअप, ठीक हैज और मिस का इसका एक इजी सा मेथड है यूज करने का, ठीक है। पहले तो याद कर लो सिंपल सी बात, ईयर ड्रम में जाने के बाद क्या है कि ये आगे जाते तीन बोन्स होती है आपकी मिडल ईयर में, बीच के कान में, दोनों सेम कैसे हैं मिंटी बताओ, बीच के कान में तीन हड्डियां होती हैं आपकी छोटी छोटी, एक होती है हैमर जिसको बोलते हैं, उसके बाद आती है आपकी एनवेल, और उसके बाद आ जाती है स्टीरअप। स्टीरअप के बाद क्या आ जाती है? ओवल विंडो। ओवल विंडो में क्या है कि वो हम नीचे बात करेंगे, वो इनर ईयर आ जाता है फिर, ये मिड ईयर है। अब देखो हैमर को एक और चीज बोल देते हैं, हैमर को एक और चीज बोल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, मेलस, MALE, MALEUS, मेलस, और एनविल को बोल देते हैं हम इनकस भी बोल देते हैं, और स्टीरअप को हम बोल देते हैं स्टेप्स, ठीक हैज और मिस याद कर लेना, हैज मिस, अगर हैज के तरीके से लिखा, अगर हैमर लिखा हुआ है तो हैमर एनविल स्टीरअप भी सेम चीज है, वो भी तीनों हड्डियां हैं, और इनके अगर अल्टरनेटिव नाम बताऊं तो वो क्या होते हैं, मेलस इनका स्टेप्स, ठीक हैज और मिस का मेथड याद रखना ताकि कंफ्यूज ना हो, कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं ये क्या सीक्वेंस में चलते हैं, तो याद रखना हैज यानी पहले हैमर आएगा, फिर एनविल आएगा, फिर आएगा स्टीरअप, अगर मेलस के हिसाब से लिखा हो तो याद रखना मेलस आएगा, इनकस आएगा, स्टेप्स आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो मुझे, है किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर जितना मैंने अभी बताया जस्ट? आगे प्रोसीड करो, बताओ। ठीक है, अब आगे हम ओवल विंडो में, हमने बात करी ना यहाँ पे क्या था, ओवल विंडो भी है ना, जहां से आपकी स्टीरअप या स्टेप्स लगता है वहां से आती है आपकी ओवल विंडो। अब ओवल विंडो के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, ये होती है छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये क्या चीज होता है, देखो ऊपर का जो ऑर्गन है, देखो यार ध्यान से देखो जहां पे आता है ये छोटा सा बना हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी, और ये देखो ये जो इसके जिसके ऊपर ये बैठा होता है इसको हम बोलते हैं बेसलियर मेम्ब्रेन। बेसलियर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है आपका ऑर्गन ऑफ कोटी, ठीक है, ये होती है फ्लूइड इन कोकलिया आ गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओसिल्स भी दिखाता हूं मैं, वो क्या चीज होती है आपको, ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अब ऑर्गन ऑफ कॉटी हमने देख लिया ना, ये नीचे वाला पार्ट बेसलियर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ऑर्गन ऑफ कॉटी में क्या होती है, हेयर सेल्स। हेयर सेल्स क्या आती है, जब आप कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स यहाँ पे क्या करती है, हिलती हैं, जिसके बाद यहाँ से आपको क्या सेंसेशन होती है, किस चीज़ की, आवाज़ की। तो ये आपका इनर ईयर है, देख लो हमने कितनी जल्दी देख लिया इस चीज़ को, एक मिनट इसको मैं वो कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी आवाज़ जाएगी यहाँ से, जाएगी देखो पीना से जाती है, ईयर कनाल से ईयर ड्रम पे जाएगी, ईयर ड्रम से जाएगी आपकी यहाँ पे हैमर एनविल स्टीरअप, स्टीरअप के बाद अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑटोलिथ ऑर्गन होता है, ऑटोलिथ नहीं, ऑटोलिथ तो ऊपर होता है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे आपका जाता है ऑर्गन ऑफ कोटी होता है यहाँ पे, ठीक है। बेसलियर मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटी, जिसमें होती है हेयर सेल, जहाँ से आपको सेंसेशन होती है। अब देखो लेकिन कान में एक और हड्डी होती है, देखो ये वाली हड्डी, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ भी बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन। इसके अंदर होते हैं तीन सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं, तीन होते हैं। अब तीनों के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बचपन में कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि तुम गोल गोल घूमे जा रहे हो एंड एकदम से जब तुम रुकते हो तो क्या होता है, तुम एक्चुअल में रुक नहीं पाते, आपका दिमाग घूमता रहता है ना, आप चक्कर खा के गिर जाते हो, हुआ है किसी के साथ ये बताओ। यहाँ पे एक और चीज लिखी थी किसी ने, ओसिल्स भी लिखा था, ओसिल्स इनको बोलते हैं, याद रखना इस वाली चीजों को, इनको ओसिल्स बोलते हैं। देखो इन तीन हड्डियों को, मिडल ईयर वाली, याद रखना इनको बोलते हैं ओसिल्स, ठीक है। इसको हम ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ भी बोल देते हैं, या इसको वेस्टिबुलर ऑर्गन। तो उस चीज का जो होता है हमने अभी डिस्कस किया जस्ट, ठीक है, बहुत बार हुआ है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसरी कन्फ्लिक्ट थ्योरी। सेंसरी कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलता है कि आपकी दो सेंसेस क्या है, कन्फ्लिक्ट में है। कन्फ्लिक्ट में कैसे आती है, जब आप गोल 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 घूमते हो तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके कान के अंदर का जो लिक्विड है वो घूमने लग जाता है, एंड जैसे ही आप रुकते हो तो क्या होता है, फिर भी आपका कान का लिक्विड, आप तो रुक जाओगे, आप अगर पानी के गिलास को ऐसे ऐसे हिलाओगे, एकदम गिलास को रोक दोगे, पानी तो थोड़ी देर में रुकेगा ना, हिले एकदम से थोड़ा ना रुक जाएगा। तो आप क्या देखते हो, जैसे ही आप रुकते हो तो आपकी आंखें तो देखती है कि एनवायरनमेंट स्टेबल है, लेकिन आपके कान का जो बैलेंस वाला जो सिस्टम है वो हिला हुआ है, उसे लग रहा है कि आप घूम रहे हो। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है आपकी देखने में और जो एक्चुअल में आपका जो मोशन डिटेक्ट कर रहा है जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, एकदम से वोमिटिंग वगैरह भी आ जाती है, हम गिर भी जाते हैं। तो ये होती है आपकी सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, याद हो जाएगी। बताओ सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपकी दो सेंसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया तो बताओ मुझे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये खैर ये तो सारा इसी का लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। एक्चुअली मेन चीज आ जाते हैं इसके ऊपर, सबसे बढ़िया चीज़। अब देखो इसका तुम्हें इंतजार होगा, नहीं है तो करना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पे बात हम क्या करते हैं कि जो कान में आवाज़ हम सुन तो कान से लेते हैं अंसारी, लेकिन हम समझते कान से नहीं है, वो आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, उसके बाद आप उसको सुन पाते हो अच्छे से, समझ रहे हो। प्राइमरी कॉर्टेक्स में जाता है, आप फिर टेम्पोरल लोब्स में, तो वो पाथवे क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा जूम कर दूं, एक मिनट, तो नीचे से चलेंगे, याद रखना मैं जूम कर रहा हूं इस चीज को, ये चीज देखो। अब तुम्हारा ये बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हुआ था या गलत हुआ था, ये वाला
तुमने ठीक किया था गलत किया था, क्योंकि जब मैंने ये लास्ट टाइम कराया था अपनी क्लास में एंड मेरी क्लास के काफ़ी सारे बच्चे जो उस टाइम थे, तुम भी थी मेरे ख्याल से, उनमें गलत किया था, लेकिन मैंने क्लास में सबको कराया था गीत एंड संदीप वगैरह से पूछना, उनको मैंने पहले ही विजुअल और ये दोनों कराए थे, उनका हो भी गया था ठीक, उनका ठीक हुआ था क्योंकि मैंने पूरी क्लास में ये चीज़ें करा रखी थी। तो ओबी का तो हमने जितना भी आपका ये जो टेक्निक्स थी ना लीजन की भी, ऊपर से ब्रेन मैपिंग की, जो fMRI MRI, वो सारी चीज़ें हमने ढंग से करी हुई थी ठीक है। तो हम दोबारा से देख लेते हैं, देखो कान में क्या हमने बात कर ली ना, कोकलिया, अब याद रखना, देखो यहाँ पे एक चीज़ नहीं कर पाऊँगा मैं क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा ठीक है, कोई नहीं आप गलत नहीं होगा, क्या नाम है अनु, देखो अनु का ठीक था, अनु आपने देखा होगा मैंने कराया था, मेरे ख्याल से आपने वीडियो जरूर देखी होगी ठीक है। यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे आता है क्या आता है, जब ये कान को छोड़ती है, एक्चुअली जो ध्वनि है आपके कान को छोड़ती है तो ये जाती है ऑडिटरी नर्व के थ्रू, यानी जो आपका ऑडिटरी सिग्नल आता है वो जाता है नर्व के थ्रू जाता है, ऑडिटरी नर्व ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये जाता है कहाँ पे, कोक्लियर न्यूक्लियस पे। ऑडिटरी नर्व के बाद क्या आता है सिक्वेंस आपका, कोक्लियर न्यूक्लियस का। अब कोक्लियर न्यूक्लियस से कहाँ जाता है ये, उसके बाद देखो एक मिनट रुको, कोक्लियर न्यूक्लियर के बाद कहाँ जाएगा, एक्चुअली ये जाता है फिर यहाँ पे, ये रहा आपका ट्रेपेजॉइड बॉडी कहते हैं इसे, पहले ट्रेपेजॉइड बॉडी से जाएगा फिर जाएगा ये आपका किस चीज में, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, किस में जाएगा, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल सीक्वेंस क्या है, ऑडिटरी नर्व से कोक्लियर न्यूक्लियर में जाएगा। कोई नहीं अब तो हम कर रहे हैं मिट्टी, नो प्रॉब्लम, देखो याद रखना ऑडिटरी नर्व से आपका मैसेज जाता है कोक्लियर न्यूक्लियस में, कोक्लियर न्यूक्लियस से जाता है आपका ट्रेपेजॉइड बॉडी में। आपको ट्रेपेजॉइड बॉडी आजकल खैर इस पे मिलेगा नहीं, जो क्वेश्चन आता है नेट में ये वाला पार्ट मुश्किल ही देते हूँ, लेकिन वो इसको स्किप करके सीधा देते हैं आपका सुपीरियर ही ओलिवरी कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है क्या आएगा फिर, ऑडिटरी नर्व के बाद आता है आपका कोक्लियाई न्यूक्लियस, उसके बाद आता है ट्रेपेजॉइड बॉडी, ट्रेपेजॉइड बॉडी के बाद आता है आपका सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका लेटरल लेमिनिस्कस ठीक है, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आता है आपका लेटरल लेमिनिस्कस, याद रखना इस चीज को, ये रहा। अब इससे ऊपर जाती है फिर मिड ब्रेन की तरफ, देखो यहाँ पे आ जाती है फिर इन्फीरियर कलिकुलस, हमने बोला था मिड ब्रेन में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक सुपीरियर कलिकुलस होती है एक और एक होती है आपकी इन्फीरियर कलिकुलस, तो ये देखो इन्फीरियर आ गई यहाँ पे, इन्फीरियर वाली आपकी साउंड से रिलेटेड होती है, सुपीरियर वाली आपकी विजुअल से रिलेटेड होती है। तो यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका सुपीरियर, नहीं एक्चुअली इन्फीरियर कोलिकुलस में जाएगी, इन्फीरियर कोलिकुलस से जाती है आपकी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी या मीडियल जेनिकुलेट थैलेमस बोल देते हैं, एंड यहाँ से फिर जाती है आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। अब ध्यान देखना इस चीज़ का, देखो यहाँ पे एक सिग्नल देखोगे, दोबारा से पूरा सिग्नल कराऊंगा खैर ये सिक्वेंस, लेकिन ध्यान से देखो एक चीज़ को, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऑडियो यहाँ से आई, ऑडियो यहाँ से आई, यहाँ से जा रही है, देख लेकिन देखोगे तीन एरो यहाँ से जा रही है, एक एरो यहाँ से भी जा रही है, तीन एरो यहाँ से जा रही है, एक एरो यहाँ से भी जा रही है। अब ऐसा कैसे हो गया मैं बताता हूँ तुम्हें, एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर, जब आप देखते हो बहुत बार क्या चीज़ देखते हो, जब हम आई की बात करते हैं तो आई में क्या होता है कि हमारा ऑपोजिट साइड का यानी लेफ्ट आई का राइट साइड में हमारा प्रोसेस होता है, राइट का लेफ्ट साइड में होता है ठीक है। लेकिन ईयर के मामले में क्या होता है, ईयर के मामले में इस साइड को तो बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, यानी इस कान से सुनेंगे, राइट कान से सुनेंगे तो वो लेफ्ट साइड हमारा प्रोसेस होगा और राइट से सुनेंगे तो लेफ्ट साइड होगा, ऑब्वियसली बात है यही होता है ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन अपोजिट तरफ नहीं जाती, इंस्टेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सेम साइड से भी जाती है, इसी यही रीजन होता है जब आपका कान खराब हो जाता हो, कान खराब हो जाता है एक साइड वाला, डजंट मीन कि आपको दूसरे हेमिस्फीयर में क्या नहीं होगी, बिल्कुल भी ऑडिटरी प्रोसेस नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। कान के केस में क्या होता है, कान के केस में इन्फॉर्मेशन जो है दोनों हेमिस्फीयर में प्रोसेस होती है, यानी अगर मैंने राइट कान से सुना है तो वो लेफ्ट में ऑब्वियसली ज़्यादा वो होगी प्रोसेस, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट उसका प्रोसेस आपका राइट साइड में भी होगा। तो राइट साइड को हम बोल देते हैं इप्सालेटरल और लेफ्ट साइड को बोल देते हैं कॉन्ट्रालेटरल, यानी आपका अगर राइट कान है तो उसके लिए लेफ्ट साइड तो हो गया कॉन्ट्रालेटरल और राइट साइड वाला हो गया आपका इप्सालेटरल। तो इप्सालेटरल की तरफ थोड़ा सा आ जाता है प्रोसेस के लिए इन्फॉर्मेशन 20-25% मान लो, जैसे लिखा हुआ एक एरो इस साइड है और बाकी आपका जाता है फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑपोजिट साइड। याद रखना कि ईयर में क्या है, कॉन्ट्रालेटरल क्या है,
ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल और इप्सालेटरल याद रखना इन्फॉर्मेशन क्या है, मेनली आपकी देखो आई के मामले में क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट हेमिस्फीयर में प्रोसेस होती है, लेकिन हियरिंग के मामले में क्या आता है कि टोटली सारी की सारी आपकी ऑपोजिट हेमिस्फीयर में नहीं होती, इंस्टेंट क्या है कि मैक्सिमम आपकी ऑपोजिट हेमिस्फीयर में प्रोसेस होती है, थोड़ी बहुत आपकी राइट साइड में होते हैं। हाँ वो तो होता ही है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है प्राची ब्रेन में वो ऑपोजिट हेमिस्फीयर में होती है, समझ रहे हो, जब हम आँख का देखते हैं देखो राइट साइड की जो इमेज हमारी वो राइट वाले दिमाग में नहीं हो रही है, एक्चुअली लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर में होती है। इसी तरह से अब जब साउंड आती है, जैसे मेरी मैं यहाँ पे इस साइड आवाज़ सुन रहा हूँ, तो वो मेरी एक्चुअली इस वाले में नहीं, इस तरफ से क्या होती है आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। आई के मामले क्या होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट हेमिस्फीयर में प्रोसेस होती है, लेकिन ईयर के मामले पूरी नहीं होती, इंस्टेड क्या होता है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो आपकी अपोजिट में ही होगी लेकिन थोड़ी बहुत सेम साइड में भी हो जाती है, ठीक है प्राची। तो ये है, अब याद करो, अब मुझे एक बात बताओ तुम्हारे समझ में आया सीक्वेंस क्या, बता पाओगे मुझे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईयर का, पूरा सीक्वेंस लिखने की कोशिश करेंगे, रुको, पूरा सीक्वेंस क्या है यहां पे, खैर ये तो आगे का आ गया, यहां पे थे हम, ठीक है, कोकलिया, कोकलिया से नीचे जाओगे तो आपका आ जाएगा ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व जाती है फिर आपकी कोक्लियर न्यूक्लियस, कोक्लियर न्यूक्लियस उसके बाद जाती है वो आपकी ट्रेपेजोइड बॉडी, अभी वाला कई जगह नहीं देते खैर, लेकिन मैंने पूरा लिखवाया तुम्हें, ट्रेपेजोइड बॉडी, उसके बाद जाती है आपकी किस में जाती है फिर, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, फिर जाती है आपकी कहां पे, फिर जाएगी आपकी ये इंफीरियर लेटर लमनिस्कस, फिर जाती है आपकी ये किस चीज में जाएगी, फिर आपकी यह जाएगी इंफीरियर कलिकुलस। अब देख लो कितना बड़ा है ये, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, कलिकुलस, फिर आता है आपका मीडियल जेनिकुलेट थैलेमस या मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बोल देते हैं इसे, बॉडी, फिर आ जाता है आपका एंड में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, यहां पे देखो हमने लिख भी दिया। अब ये बताओ गीत कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, एक्सेप्ट फॉर द राइटिंग आप और बताओ मुझे, सिंपल सी याद है, कोकलिया से जाएगा ऑडिटरी नर्व में, ऑडिटरी नर्व से जाएगा कोकलियर न्यूक्लियस में, कोकलियर न्यूक्लियस से जाएगा ट्रेपेजोइड बॉडी में, ट्रेपेजोइड बॉडी से जाता है सुपीरियर ओलिवरी में, वहाँ से जाता है लेटर लेमिनिस्कस, फिर जाता है आपका इन्फीरियर कलिकुलस, फिर जाता है आपका मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, फिर जाता है आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये आपका याद करो इसको, ठीक है। अभी साथ साथ एक बार रिपीट करो सारे के सारे, क्या है कोकलियर है, कोकलिया से जाएगा आपका जब कान छोड़ता है तो ऑडिटरी नर्व जाती है, ऑब्वियसली ऑडिटरी नर्व कहाँ पे रुकती है आपकी कोकलियर न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस को यहाँ पे हेडक्वार्टर मान लो एक तरह से, जो आगे फिर आपको क्या करेगा भेजेगा मैसेज को, ट्रेपेजोइड में जाता है, फिर जाता है आपका सुपीरियर ओलिवरी, ये बहुत बार आता है स्वनी पाटिल, ये आता नहीं, ये बहुत बार आता है, लास्ट टाइम भी आता है, विजुअल पाथवे भी बहुत बार आता है, मैंने बताया विजुअल पाथवे भी कराना तुमको, तो स्वनी ये आता नहीं, ये बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑडिटरी पाथवे इज रिलेटेड टू द एग्जाम, एक्चुअली गीत ये बहुत बार आया, मतलब एक बार नहीं आया ये काफी बार आया हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें कराया, ये मैंने ये लास्ट टाइम भी कराया था, ये ऐसा नहीं है कि मैं इस बार करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट एग्जाम में आया, ये मैंने पिछले एग्जाम में जाने से पहले भी करा रखा है अपनी प्लस की क्लास में, एंड वहाँ पे जितने बच्चे थे जिन्होंने उस टाइम अटेंड किया था उन सबने ठीक भी कराया, मैंने बायो का जितना था बायो का तो मैक्सिमम हमने इतना कर लिया था कवर कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने ठीक किए थे जो हमने वहाँ पे कवर किए थे एक्चुअल में, तो ये चीज मैंने पहले भी करा रखी है, होपफुली समझ में आ गया हो, ठीक है समझ में आ गया तो बता दो फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे।
देखो अंसारी भी कह रही है बहुत बार सीक्वेंस आया, बहुत बार आया है, लिटरली बहुत बार सीक्वेंस आता है इस चीज का। ठीक है, समझ में आ गया मिंटी? अब तो गलती नहीं होगी या अब भी गलती गुंजाइश है? अब हम बात कर लेते हैं इसकी थ्योरीज की। देखो अब थ्योरीज कई सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब एक चीज मैं बोलूंगा, थ्योरीज के नाम वगैरह जो होते हैं वो मैं जनरली इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अच्छा गीत थी तुम उस क्लास में, गीत करिए अच्छे से। देखो वही रिवीजन इज रियली नेसेसरी, गीत वही मैं बोलता हूँ मैं। देखो आपकी बात नहीं है, गीत मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जब मैं अगर नहीं देखो पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अगर एकदम से आउट ऑफ ब्लूज तुम मुझसे पूछ लोगे तो मे बी मैं भी गलत आंसर दे दूँ। तो इट इज़ नॉट समथिंग इनह्यूमन या बोले कि अनकॉमन, काफ़ी कॉमन चीज़ है, सब करते हैं गलतियाँ, तो भूलने वाली गलतियाँ तो सब करते हैं। मैंने अभी भी बताया था, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि रिविज़न, इसीलिए हमारे कोर्स में रिविज़न ज़रूरी है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद आती है प्लेस थ्योरी, ठीक है। प्लेस थ्योरी आ जाती है आपकी, फ्रीक्वेंसी थ्योरी आती है, और आपकी आती है वोली, ठीक है। ओके आप भी थे क्लास में, ठीक है। अब ज्वाइन करते हो आप अंसारी? ये बताओ, हमारा कोर्स अभी भी चल रहा है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करो। मैंने अपना कोड बताया यहाँ पे भी, विनोद के लाइव मेरा कोड है, अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो तब भी यूज करो, ठीक है। आई का मैं पांचवी अभी करा दूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, वेट मैं आई का पांचवी तुम्हें कराऊँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ अगर मेरी प्रेजेंटेशन इसके अंदर खुली होगी, सेंसरी सिस्टम, वेट माई का पाथवे करा रहा हूँ, बात कर ही लिया तुमने तो पूछ लेते, इसको भी कर लेते साथ साथ। क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये बता देना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हर्ट्स को डीसीबी में डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो इसका तो देखना पड़ेगा सुनीता मुझे भी, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। यहाँ पे लिखा इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट डीबी टू हर्ट्स बिकॉज बोथ आर एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट मेजरमेंट, तो उनको पॉसिबल नहीं कर सकते हम, कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्चुअली, वो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज है। हर्ट्ज एक्चुअली क्या होता है आपका, साउंड के मामले नहीं, हर चीज में हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, कितनी साइकिल्स जा रही हैं पर मिनट में, ये चीज होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ का जो प्रोसेसर देखते हो उनमें भी हर्ट्ज होता है, गेगा हर्ट्ज क्या होता है, ठीक है, उतना 1000 के हिसाब से लगा लो, मेगा हर्ट्ज, गे हर्ट्ज, तो ये वो फ्रीक्वेंसी की बात हो जाती है, डेसिबल अलग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। करा दूँ फिर ये गीत, ध्यान से देखो। अब देखो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अब पहले एक कंसेप्ट समझ जाओ तुम, नेजल रेटिना और टेम्पोरल रेटिना, ठीक है, वेट, नेजल रेटिना और टेम्पोरल रेटिना का एक कंसेप्ट समझ जाओ सारे के सारे। नेजल रेटिना क्या होता है और टेम्पोरल क्या होता है सुनीता, ध्यान से देखो। अब मैं आई को है ना, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा ही चल रहा है मेरा हाथ, ठीक है। आई को मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, बाहर वाला पार्ट है टेम्पोरल रेटिना, टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल रेटिना, और अंदर वाला है ये वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ठीक है, ये दोनों है हमारे नेजल, समझ रहे हैं? देखो ये अगर मैं बोलूं, अगर हमारी आँख को ऐसे आप अगर स्प्लिट कर दो, तो अंदर वाला देखो जो नाक की तरफ जाता है दोनों आइज का, ये होता है हमारा नेजल, और जो बाहर की तरफ है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना, ठीक है। ये बाहर वाला टेम्पोरल होता है, अंदर वाला होता है नेजल रेटिना, पहले तो ये ध्यान दे दो। तो जब भी कोई चीज मेरे लेफ्ट साइड में होगी तो मैं कैसे देखता हूँ, लेफ्ट साइड वाली चीज को कैसे देखता हूँ मैं, लेफ्ट साइड वाली को देखता हूँ मैं कि लेफ्ट, देखो सेम आई के तो लेफ्ट साइड और दूसरी वाली के राइट साइड, एक्चुअली एक मिनट रुक जाओ, सेम वाली आई के तो हम नेजल टेम्पोरल में, ठीक है,
नेजल रेटिना और दूसरे वाले के टेम्पोरल। याद रखना, जब हम देखते हैं चीज़ को, किसी चीज़ को, यहाँ पे अगर विजुअल फील्ड हम देखते, कैसे देखते हैं चीज़ को, एक मिनट को, ये रहा छोटा पॉइंटर दिख रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे देखेंगे। लेफ्ट आई का तो नेजल, अगर याद रखना कोई भी मेजर यानी लेफ्ट में है तो उस साइड का तो नेजल रेटिना और दूसरी साइड का टेम्पोरल, यानी लेफ्ट साइड का तो नेजल रेटिना और अपोजिट आई का टेम्पोरल रेटिना, ठीक है, यहाँ पे इमेज पड़ती है। या अगर राइट साइड में है तो इसका क्या है कि राइट आई का तो नेजल आपका रेटिना और आपका लेफ्ट वाली का टेम्पोरल। समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पे इमेज पड़ती है। अब इमेज जाती कैसे एक्चुअल में? हाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये अंदर आधा नाक की तरफ है, इसलिए तो नेजल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये नेजल है, और जो बाहर की तरफ वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। तो अब जब इमेज आती है, मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड से इमेज आई, ठीक है, लेफ्ट साइड से इमेज आई तो कहाँ पे पड़ी? आपकी राइट साइड में, यानी लेफ्ट आई के राइट साइड में पड़ी और राइट आई के भी राइट साइड में पड़ी, ठीक है। लेफ्ट आई के लेफ्ट वाले पार्ट में पड़ी, राइट आई के भी लेफ्ट वाले पार्ट में, राइट क्या बोलता हूँ, लेफ्ट वाले के राइट पार्ट में और राइट वाले के भी राइट पार्ट में पड़ी, ठीक है। अब ये क्या होती है, इन्फॉर्मेशन ऐसे जाती है आपकी, ठीक है, जो नर्व आती है आपकी इस तरह से जाती है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं ऑप्टिकम कैजम, ठीक है, ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। देखो यहाँ पे क्या होता है, इमेज फोल्ड करती है आपकी, बस यहाँ पे इतना काम है, इमेज आपकी फोल्ड करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इमेज फोल्ड करती है, क्या नहीं आया एक बार बताओ मुझे प्राची, पूछो मुझसे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। यही सर पूरा। देखो जब हम एक आंख है, मैं एक तुम्हें एक आंख बनाता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना तुम, ठीक है, यहां पे आपको हमने बना दिया, ये बना दिया, अब यहां भी बना दी मैंने आंख के, ठीक है, ये बना दी मैंने आंख के, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ठीक है। अब हम अगर आंखों को इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, आधे आधे, तो आधा पार्ट क्या है, देखो आधा तो बाहर वाला हो गया, इसको बोल देते हैं टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल, और अंदर वाले पार्ट को हम बोल देते हैं आधे, इसका जो नाक की तरफ ओरिएंटेड होता है अंदर वाला, इसको बोल देते हैं हम नेजल। समझ में आ गया? अब नेजल और टेम्पोरल कोई कह रहा नाइस पिक अब नेजल वर्किंग कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनो प्राची, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्चुअली इस पार्ट को। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो लेफ्ट आई में रखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट आई की राइट साइड में और राइट आई की राइट साइड में। अब ध्यान से देखो, राइट आई की राइट साइड तो टेम्पोरल होगी और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड टेम्पोरल होगी। लेफ्ट साइड की राइट साइड क्या होगी, लेफ्ट आई की राइट साइड होगी नेजल और राइट आई की लेफ्ट साइड होगी नेजल। ये सिंपल सी टर्म्स है, मैंने तुम्हें बता दिया। इमेज जब आती है कहाँ पे पड़ती है, अगर मेरे इस साइड पेन रखा हो तो लेफ्ट आई के राइट साइड में, राइट आई के राइट साइड में आएगी, तो इमेज आएगी आपकी ऐसे ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगी इमेज, है ना, इस तरह से इमेज आएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, क्रॉस ओवर पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैजम, क्या बोलते हैं दिलीप, समझ में आ रहा है ना? दिलीप का आज मैसेज देखा तो मैंने दिलीप से पूछ लिया, कमी क्लासेस में आता है दिलीप, लेकिन दिलीप अगर कुछ समझ में ना आए तो जरूर पूछना मुझसे, बताओ समझ में आ गया ना। क्रॉस ओवर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैजम बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो, जब ऑप्टिकल कैजम से जब आपकी क्रॉस ओवर होके जाती है, तो यहाँ पे होता है आपका लेटरल, यहाँ पे होता है आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पे होती है एलजीएन, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, एलजीएन बॉडी होती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट और होता है मिड ब्रेन का, नीचे जो पीछे देखो इस तरह का होता है, यहाँ पे देखो उसके नीचे तो होती है, तो इंफीरियर होती है, ये होती है उसकी इंफीरियर कलिकुलाई दो, और ऊपर होती है आपकी क्या होती है, सुपीरियर कलिकुलाई, ठीक है, ये होती है आपकी सुपीरियर कलिकुलाई, ठीक है। तो क्या होता है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका क्या सीक्वेंस बनता है, और इनको बोल देते हैं, जब आपकी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से आपकी ये निकल के निकलती है ना, आपकी क्या निकलती है, ये जो बाद में ये निकलती है आपकी जो नर्व्स निकलती हैं, हम इनको बोल देते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्ट ये भी होता है, मेयर्स लूप भी होता है, याद रखना। जो आपके यहाँ पे एक मेयर्स लूप होता है, खैर वो कभी आता नहीं तुम्हारा पूछने के लिए, तो क्या होता है मेयर्स लूप भी एक चीज होती है यहाँ पे, यहाँ पे होता है अंदर इस साइड ही। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो चलो मैंने ये बता दिया, अब टर्म्स को सिंपल करता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। अब टर्म्स को सिंप्लीफाई ऐसे करूंगा मैं तुम्हारे लिए, वेट। और देखो टर्म्स को सिंप्लीफाई हम ऐसे कर रहे हैं कि हम सीधा यहाँ पे बस लिखेंगे क्या क्या है। देखो ऑप्टिक नर्व आएगी, ऑप्टिक नर्व के बाद क्या आएगा आपका, ऑप्टिक क्याजम, ठीक है, क्या आएगा ऑप्टिक क्याजम, ऑप्टिक क्याजम के बाद आपका क्या आएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका सुपीरियर क्लिकलाई, क्लिकलस बोल देते हैं, सुपीरियर क्लिकलस। और उसके अलावा फिर बाद में क्या आता है आपका, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, बॉडी, ठीक है, और आ जाता है फिर आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। बताओ प्रॉब्लम आ रही है, बता प्राची, हुआ सिंप्लीफाई थोड़ा सा? वो तो मैं तुम्हें पूरा बना के दिखा रहा था एक्चुअल में विजुअली कैसे दिखता है। बाकी टर्म्स अगर हम बात करें तो ये देखो ऑप्टिक नर्व से निकलता है, ऑप्टिक नर्व ये रही, यहाँ पे ऑप्टिक, ऑप्टिक क्या होता है क्रॉस ओवर होता है, इसको ऑप्टिक कैसम बोल देते हैं, यहाँ पे निकलने के बाद हम इसको बोल देते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। यहाँ पे आता है आपका सुपीरियर क्लिकलाई, जिसे घूम फिर के जाती है यहाँ पे आपकी लेटरल जेनिकुलेट में, जेनिकुलेट के बाद जाती है आपकी प्राइमरी और किसमें विजुअल, या पाथवे है ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। अब किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बता दो। देखो रटना तो, देखो बायो की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा रटना पड़ता है बायो में, क्या है कि समझने से ज्यादा यही फर्क आ जाता है कि इसमें थोड़ा सा रटाफिकेशन इज नीडिड, ठीक है। अब ध्यान रखो एक चीज मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, रटना नहीं मैं बोलूंगा एक तरह से, देखो रटना भी नहीं बोलूंगा, ये समझने की बात है। देखो रटना होता तो मैं तुम्हें सीधा बता देता, मैंने तुम्हें इसलिए विजुअल पाथवे दिखाया पूरा, मैंने यहाँ पे बना के इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। अंसारी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या नो सर कह रहे हो आप, बताओ मुझे। अंसारी बताओ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको, रिपीट कर देता हूँ। देखो ऑप्टिक नर्व में जाती है, यह सीक्वेंस याद रखो, ऑप्टिक नर्व से जाएगी आपकी ऑप्टिक कैजम में, ऑप्टिक कैजम के बाद जाएगी आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट में, ट्रैक्ट TRACT, ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद जाएगी सुपीरियर कलिकुलस, फिर जाएगी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर जाएगी आपकी किस चीज में, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। अभी हमने दो चीजों के पाथवे बताए हैं तुम्हें, मैंने दोनों के दोनों जितने भी बैठे हो ना यहाँ पे चैट में, एक काम करो मेरे गले को थोड़ा आराम दो और अपने हाथ को थोड़ा सा बिजी करो, यहाँ पे मुझे दोनों का एक ऑडिटरी का लिख के दिखो, सारे के सारे ऑडिटरी लिखो, और उसके बाद तुम सारा कोमा कोमा लगा के पूरा पाथवे लिखो और विजुअल का लिखो पाथवे, अभी के अभी, मैंने अभी के अभी कराया ना, मुझे अभी के अभी लिख के दिखाओ, मुझे देखना कितनों ने याद कर लिया है, टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी बताओ। अब भूल गए होगे तुम में से कई, ये बताओ सच बताओ, भूल गए ना इतनी देर में।
तो याद रखना, दोबारा बता देता हूँ, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के आप बाद आ जाता है आपकी आपका ऑप्टिक कियाज़म के बाद आता है ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद आता है सुपीरियर कलिकुलस, उसके बाद आता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब देखो तुम्हें थोड़ा इजी बता देता, जब ईयर का आएगा ईयर में क्या हो जाता है, सुपीरियर की जगह इन्फीरियर कलिकुलस आ जाएगा, लेटरल की जगह मीडियल जेनिकुलेट आ जाएगा, प्राइमरी विजुअल की जगह प्राइमरी ऑडिटरी आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा तो सेम, थोड़ा सा सेम तुम्हें सिंपल दिख गया ना, सुपीरियर की जगह इन्फीरियर आ जाएगा, मीडियल की जगह लेटरल की जगह मीडियल आ जाएगा, विजुअल की जगह ऑडिटरी आ जाएगा। बीच का तुम्हें थोड़ा सा चेंज आ जाता है जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ। वेट, हम यहाँ पे थे, ठीक है, बीच का थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो ये आ गया ना, देखो यहाँ पे देखोगे इन्फीरियर सुपीरियर की जगह, यहाँ पे लेटरल की जगह मीडियल, यहाँ पे प्राइमरी ऑडिट विजुअल की जगह ऑडिटरी आ गया। बिल्कुल सही बताया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आ गया तुम्हारा ऑडिटरी का आ गया। बताओ, लिखो सारे एक बार। अब प्राची कह रही थ्योरी बता दो, कौन सी थ्योरी पूछनी है बताओ मुझे, प्लेस थ्योरी, ये बात कर रहे थे हम एक्चुअली। चलो थ्योरी और करा देता हूँ क्योंकि इतना ही टाइम है, फिर टाइम भी हो जाएगा ऑब्वियसली। हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी अगर कोई बताएगा, ठीक है, हियरिंग की थ्योरी बता देता हूँ। तो देखो ये होती है प्लेस थ्योरी, ठीक है, प्लेस थ्योरी एक होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी थ्योरी, एक होती है वोली थ्योरी। पहले तो तीनों को याद रखना, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड आपकी वोली थ्योरी, ये तीन थ्योरीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्ले पिच थ्योरी क्या बोलती है पहले बात कर लेते हैं। प्लेस थ्योरी ये बोलती है थ्योरी दैट पिच दैट स्टेट दैट डिफरेंट पिचेज आर एक्सपीरियंस बाय स्टिमुलस ऑफ हेयर सेल्स इन द डिफरेंट लोकेशन। ये क्या बात बोलती है कि जब आप अलग अलग तरह की जो आवाज़ आती है वो आपको कैसे सुनाई देती है, कि जो आपकी साउंड होती है एक्चुअल में वो हेयर की, जो हमने बात करी थी ना हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कोटी की, तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट को क्या करती है, अलग तरह की साइन, अलग तरह की साउंड क्या करेगी, अलग तरह के पार्ट को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अलग तरह के पार्ट को स्टिमुलेट करेगी। अनु ने लिखा है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ओ, ये क्या लिखा है तुमने यहाँ पे बताओ, किस चीज़ का लिखा है अनु तुमने, खैर वो समझ नहीं पा रहा, खैर मैं सुपीरियर तो सी ठीक है, आई क्यों लिख दिया तुमने यहाँ पे, आई भी समझ नहीं आया मेरे पास, ये भी समझ नहीं आया। अनु एक बार थोड़ा सा फुल फॉर्म में लिख दो, समझ में दिक्कत आ रही है, अगर लिख पाओ वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेस थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो आपके कान के हेयर सेल्स होते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें क्या करती है, आपके कान के अलग अलग पार्ट को स्टिमुलेट करती है, समझ गए। ये थ्योरी किसके लिए काम आती है, 1000 से ऊपर, ये थ्योरी आती है 1000 हर्ट्ज से जब ऊपर की फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या है, ये वाली थ्योरी काम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी थ्योरी, फ्रीक्वेंसी थ्योरी क्या बोलती है आपकी कि जितनी तेज आपकी पिच होती है उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी आपकी, उतनी जल्दी ही आपका बेसलियर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, यानी जितनी ज़्यादा तेज आपकी आवाज़ आएगी उतना ही जल्दी वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये क्या है कि 100 हर्ट्ज से बिलो के लिए ये वाली थ्योरी यूज होती है, जब आपकी साउंड 100 हर्ट्ज से लो होती है तो ये वाली थ्योरी काम आती है। फिर आ जाती है आपकी वोली, वोली थ्योरी क्या बोलती है, देखो ये वाली तो 1000 हर्ट्ज से ऊपर की बात करती है प्लेस थ्योरी, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बात करती है आपकी 100 हर्ट्ज से नीचे की, ठीक है। तो बीच में भी तो जो साउंड होती है उसको कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे बात आती है, फिर वोली थ्योरी आई थी। वोली प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी आती है 100 से 1000 के बीच में, ठीक है, 100 से 1000 के बीच में आती है तो क्या हो जाता है आपका कि ग्रुप में फायर होने लग जाते हैं। ग्रुप में फायर कैसे होते हैं, मान लीजिए ग्रुप ऑफ ऑडिटरी न्यूरॉन्स टेक टर्न्स फायरिंग इन प्रोसेस कॉल्ड वोली, कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्रुप में फायर करते हैं, यानी मान लीजिए किसी बंदे ने 300 हर्ट्ज की साउंड सुनी है, एक्चुअली इसमें 3000 लिखा हो गलती से, 300 हर्ट्ज की साउंड सुनी है, तो उसके साथ क्या होगा कि न्यूरॉन्स क्या करेंगे 3 बार 100 100 के मैसेज फेंकेंगे, ठीक है, मैसेज न्यूरॉन्स क्या करेंगे 3 बार 100 100 हर्ट्ज के मैसेज फेंक देंगे, ये वाली होती है आपकी वोली थ्योरी, ठीक है।
तो सिंपल सी बात बताऊं, देखो सिंपल एक चीज याद रखना, जो मेन क्वेश्चन आता है थ्योरी से, प्लेस थ्योरी किसके लिए होगी? 100 हर्ट्ज से ऊपर के लिए, 1000 से ऊपर के लिए, ठीक है, 1000 से ऊपर के लिए। फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज से नीचे के लिए, ना, ये नीचे के लिए, ये आपकी प्लेस थ्योरी है। किस चीज के लिए? इससे ज्यादा 1000 से ऊपर के लिए। और जो वोली आते हैं आपके 100 से बीच में, 100 से लेके 1000 तक के बीच में ये आ जाते हैं आपके वोली का। याद रखना इतना, तुम याद रखना, बस ये याद रखो कि जो प्लेस थ्योरी क्या है, कि यहाँ पे ये क्या बात करता है, जो हेयर सेल्स है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की नॉइस या अलग अलग सात तरह की साउंड क्या करेगी, आपके जो कानों के जो हेयर सेल्स है उनको अलग अलग लोकेशन पे स्टिमुलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी। फ्रीक्वेंसी थ्योरी क्या बोलते हैं कि जितने ज्यादा तेज वाइब्रेशन, जितनी ज्यादा तेज साउंड होगी, उतनी ही जल्दी आपका जो कान के जो बाल हैं वो क्या करेंगे, जो हेयर सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा वॉली प्रिंसिपल क्या करता है कि ये बोलता है कि जब आप साउंड सुनते हो तो क्या करते हो, एक्चुअल में आप साउंड सुनते वक्त क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्रुप्स में फायर करते हैं। यानी देखो ये हमारी थ्योरी करती है 1000 हर्ट्ज से ऊपर, ये करती है 100 हर्ट्ज के नीचे, तो बीच का जो गैप रह जाता है उसमें कौन सी थ्योरी काम आती है, तो वॉली थ्योरी आती है। ये क्या बोलती है कि जो न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, वो टर्न्स में फायर करते हैं। यानी अगर 300 हर्ट्ज की साउंड है तो वो तीन ग्रुप, 3 बार वो फायर करेंगे 100-100 का सिग्नल, ठीक है, ये वॉली थ्योरी आ जाती है। ये आपकी थ्योरी है साउंड की, ठीक है, इसमें से ज्यादा रेलिवेंट कुछ आता नहीं, यही आएगा, आएगा तो मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ वो पूछते हैं नहीं, ठीक है। तो अभी तो आज की क्लास का टाइम हो गया है, खैर मैं अभी बंद कर रहा हूँ आज की क्लास, हमने काफी कर लिया है। लेकिन अभी देखो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, मैंने बताया था विजुअल में आपका क्या बचा हुआ था, विजुअल में हमारा ब्लाइंडनेस बचा हुआ, थोड़ी थ्योरी बची हुई है, और इसमें हमारा थोड़ा सा जो इसकी प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम इसका बचा हुआ है। तो इसका भी हम एक दिन एक सेशन करेंगे जिसके अंदर हम सेंसेशन का बाकी चीज़ें बची हुई हैं, इंक्लूडिंग आपकी गस्टेशन और आपकी ओल्फैक्शन और सोमेटिक सेंसेस, इनको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। किस किस को आज की क्लास पसंद आई एक बार बता दो मुझे, समझ में आया? यहाँ पे प्राची सोनी आई थी आज क्लास में, आई होप कि आपकी समझ में आया हो प्राची, ठीक है। तो मैं आज की क्लास बंद करता हूँ फिर, अगर पसंद आए किसी को भी यहाँ पे मेरा, पसंद आए पढ़ाने का तरीका, अगर मेरी चीज़ें समझ में आए तो एक काम करना, ये वाला मेरा कोड है VINODKLIV, ये मेरा कोड है प्लस का, मैं वहाँ पे क्लब कोर्स करा रहा हूँ आपका, फुल कोर्स करा रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर कीजिए, प्लस कोर्स डेली पढ़ाता हूँ मैं 1.5 घंटे के लिए। तो ये मेरा कोड है VINODKLIV, विनोद के लाइव, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। तो कोशिश करें जो जो हो सके वो ज्वाइन करो उसको, दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली इतना सारा कम्युनिटी है, इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल आपकी जो नॉलेज है उसको, एंड आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबडी, आई होप सबके समझ में आ गया होगा, अंसारी, प्राची, अनु, बम्बू एंड गीत लेख, जितने भी यहाँ पे थे आज क्लास उन्होंने देखी है पूरी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, आज की क्लास में बंद करता हूँ इसके साथ, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी भी बातें करेंगे, ठीक है। मैं अपना अपडेट करते रहता हूँ, जब भी नया सेशन डालता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप देखते रहा करो, मेरे जो जो मेरे यूट्यूब पे है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वो सब टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं जब भी कोई क्लास लेता हूँ तो मैं फीड ज़रूर डालता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आज की मैं क्लास ऑफ करता हूँ अभी, थैंक यू।